अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आबिड्स मीडिया प्लस में आज राउंड टेबल मीटिंग हुई। जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफी, सोशल एक्टिविस्ट और कई तंजीमों की जानिब से बैठकर ये मीटिंग की गई कि किस तरह से 10 सालों में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जहाँ के चंद्रशेखर राव बातें तो की थी लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से जिफर हुए, कुछ नहीं कर पाए। क्या आप कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि 10 साल केसीआर को दिए हैं, अब 5 साल कांग्रेस को देना चाहिए ताकि कांग्रेस ने जो वादे किए, कांग्रेस ने जो वादे पूरे करने की बात की उनको भी आजमाया जाए, ताकि अवाम को परेशानी ना हो, हमारे औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज हो सके, जो भी बची हुई जमीन है, और माइनॉरिटीज के साथ मुसलमानों के साथ इंसाफ हो। इसके लिए ये इजलास रखा गया जिसमें सीनियर सहाफी जनाब आर के आजाद के अलावा सामाजिक कारकुन इलिया शमशी और जनाब सनाउल्ला खान के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। बाद अजा मीडिया से बात करते हुए सारे तफसलात बताए गए। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज हम करीब करीब मेरे लहू की धार से इस मुल्क के अंदर नहीं, इस रियासत के अंदर भी अलहदा तेलंगाना मूवमेंट के सिलसिले में मुसलमानों ने अपना किरदार अदा किया। सियासी, सिविल सोसाइटीज और फिर इस तरह दूसरे लोग थे जिन्होंने इस 2014 के अंदर था, मुलाजिमतों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, और फिर जो सियासी तौर पर हमारी बेवजनी है उसको दूर करने के बारे में, वो आज भी समझ जाइए कि अलहदा तेलंगाना के बावजूद भी या सुनहरी तेलंगाना के ख्वाब के बावजूद भी उसकी ताबीर हमको नजर नहीं आए। आज पूरे 10 बरस गुजर गए, इंतखाबात हमारे सर पर हैं, बल्कि 30 नवंबर का ऐलान हो चुका है और 3 दिसंबर तक नतायज भी हमारे सामने आएंगे। तो इंतखाबात ये महज समझ जाइए कि कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बल्कि ये इंतखाबात ही प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, एमएलए को एमएलए बनाते हैं, और अगर इस राय का इजहार नहीं किया गया और इंतखाब के सिलसिले में वोट नहीं डाले गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि आप, गोया के 100 में से अगर 20 लोग वोट देते हैं और 80 वोट नहीं देते तो जो वोट सेकुलर पार्टियों को जाते थे, और जैसे कि सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सेकुलर का लफ्ज हमारे यहाँ बड़ा मशकूक हो चुका है, आज जो है शुरफा उसको बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल सेकुलर के मानने यही है कि जो निस्बतन हकीकत दूसरी फिस्ताई ताकतों को या फासिज्म को बढ़ाने के लिए माविन मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए मूवमेंट फॉर पीस रियासत के पैमाने पर मुहिम का आगाज किया है और इसमें बहुत सारे मकामात के दौरे हुए हैं, आपके खम्मम, निजामाबाद और दीगर मकामात, अब फिर अभी नलगुंडा के लिए कल रवानगी है। हमारी बुनियादी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि परसेंट परसेंट पोलिंग हो जाए हमारे पास। अब भले ही वोट दाएं दें बाएं दें, एक अलग मसला है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी आज के इजलास में, लेकिन यह है कि वोट का इस्तेमाल ना करना दरहकीकत जमहूरियत के अंदर फिस्ताइयत को लाने के लिए राय आमा बेदार करने के मुतरादिफ हो सकता है। हमको कोशिश करनी चाहिए, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस इस बारे में कोशिश कर रहा। मैं गुफ्तगू को समेटते हुए असल मुद्दे पर आता हूँ। इस रिपोर्ट के अंदर अगर हमको ये लगता है, हैशटैग ये लगता है कि बहुत सारे काम मुसलमानों के हक में हुए हैं, तो फिर समझ जाइए कि एक बार फिर उसको मौका देना चाहिए। और इस 10 साल के अंदर जो 2 मरतबा इख्तदार पर आई है पार्टी, अगर उसने फिर वाकया जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है, तो फिर हमें एक बार ठहर कर सोचना चाहिए कि इंतखाबात आते ही इसलिए हैं कि जो मुद्दे अधूरे रह गए या जो तके हों या तुमने जो वादे किए थे उसको वफा ना किया, तो अब तुम्हारी तब्दीली का मौका आता है, चेंज होते हैं तुम। ये हक अवाम को दिया गया है और ये हक कोई किसी की खैरात नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, कौमों के लिए। हुसैन भाई, सो अगर कोई मर्ज है तो वो खौफ है, कैंसर से भी ज्यादा अगर तबाकुन कोई मर्ज है तो वो खौफ है, और कौम जब खौफ में मुब्तला होती है तो सही फैसला नहीं करती। खौफ से निकलना है, दबाव के अंदर सोचना नहीं है। और फिर मैं समझता हूँ जिन पैराए में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और जिनके सामने कह रहा हूँ, उनकी पूरी तारीख तो बेखौफी से भरी पड़ी है, तारीख तो करबला की तारीख है, तो जाहिर है उनको कोई कहने की जरूरत नहीं करना है और ये महसूस कराना है कि अगर किसी ने वादे पूरे किए हैं तो एक बार फिर मौका दिया जाए, और अगर नहीं किए हैं तो एहतसाब किया जाए। इंतखाबात का अगर दूसरा नाम है तो वह एहतसाब है, इंट्रोस्पेक्शन है, दोनों का एहतसाब, खुद फर्द का जिसने वोट डाला है, खुद उस पार्टी का जो इख्तदार पर आई है।
अब एहतसाब करना है। मेरे अजीज दोस्त जनाब सनाउल्लाह साहब ने बड़ी तस्वीर के साथ आपके सामने मैं अपनी गुफ्तगू को और उनकी राय से जो हम आहंग करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ उस बात पर जिसका शेर में अधूरा रह गया। कौन कहता है कि हालात पे तनकीद न कर, तुझको इजहार ख्यालात हक हासिल है और ये हक कोई तारीख की खैरात नहीं। किसी ने ठीक में नहीं दिया हमको यह हक जो 30 नवंबर का करने वाले हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं, ये हमारे संविधान ने हमको यह हक दिया है। और की तब्दीली बास ताकतें चाहती हैं और बाज ऊपर जाती हैं बाज उनके पीछे जाती हैं और हम दोनों को एक ही नजर से देखते हैं। जो ताकतें फिताइज कर रही हैं दरपर्दा वो खुद भी फिस्ताई ताकतें होती हैं, खा वो कोई नाम अपने क्यों ना रख लें। इस एतबार से हमारा मौकफ बहुत वाजह है कि हम कि कौन कहता है कि हालात पे कोई तारीख की खैरात नहीं। तेरे और मेरे रफीकों ने जैसे जिक्र किया था मैंने गुफ्तगू की जंग के अंदर लहू दे देकर जुल्म की खाक में इसका शजर बोया था साल हा साल के बाद जो बर्बाद। ये चंद बातें थी जो मैंने अपने हिस्से की रख दी है। अब आप कीजिए सारी चीजें रहमान रहीम हाजरीन मुकर्रम आज की इस नशस्त में बहुत अहम और काबिल खायदीन मौजूद हैं। आज का जो मौजू है मुसलमानों के वोटों के ताल्लुक से, चूँकि जमहूरियत में वोट एक बहुत मुसलिमा हैसियत रखता है और आज हमको यह देखना है कि कौन सी पार्टी अकलीतों के लिए मुसलमानों के लिए क्या करना चाह रही है। हमारी यह परसदा पार्टी 10 साल पहले तशकील से पहले, क्योंकि मैं तेलंगाना तहरीक का जब शुरू हुई थी उस वक्त मैं SSC फर्स्ट स्टार्ट था जब हम भी जब तहरीक में थे, बल्कि हम पे कैसा भी चले। फिर 2001 के बाद जो तहरीक चली सनाउल्लाह खान उसमें बहुत ही सामने सामने तो उसमें भी थे। तो ये जो तहरीक होते होते तेलंगाना के तश्कील अमल में आई और यहाँ का जो सरबराह है वो उसने जो सो मुसलमानों से भी वादा किया था कि तश्कील के बाद चूंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ हुई है आपके साथ इंसाफ किया। दो जमातें सेकुलर जमातें जिनको कहते हैं जो मुसलमानों को वोटों के जो जो भीख मांगने के लिए एक से एक आगे बांट रहे हैं, तो दोनों जमातें अपने स्कीमों के तोहफों के बारिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इनके तमाम स्कीम में अखिलेश इकतदार जमात है उसने जो वादे किए थे 10 साल पहले वो इनके डटाई के साथ उनको भूल चुका है। वो उसको पूरा करने के बाद या दोस्तों अफसोस की बात करने का छोड़कर उस वादों को याद तक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मुसलमान कौम को वो लोग इतना ईजी ले चुके हैं कि हम जो वादे किए थे उनको याद की भी जरूरत नहीं है, पूरा करने का बहुत दूर की बात है। उसने पुराने वादों को पूरा करने की बात नहीं की। नई जो पावरिक पार्टी जो सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने भी बहुत सारे वादों की बारिश की लेकिन उनके मंशूर में भी मुसलमानों के तालु से कुछ नहीं है। आम जनता के लिए उनके इस्तेमाल है। वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी बड़ा पार्टी कुछ नहीं करी आपके खिलाफ, आपके वादे किए आपसे वो लोग कुछ नहीं किए। तो आप कीजिए, आप सिर्फ 4% जो दिए हैं उसका ढंढोरा पीट रहे हैं। आप उन्होंने जो 12% देते बोले नहीं जे, आप जो तो दूसरी रियासतों में तो बहुत सारे वादे किए आपने फिरका परस्तों के सलाम बात यहाँ नहीं करते, आप तहफात को पूरा बढ़ाने की बात नहीं करते और काफी जायदादों के तालुक से बरसर इकतदार जो जमात है वो बिल्कुल मुनफ हो चुकी है कि आप औकाफ को जो जुडिशल पावर देना चाहिए उनकी हिफाजत करना चाहिए औकाफी जायदादों, बल्कि जो मकबूजा जा नहीं है उन्हीं के जमाने में तो हजारों एकड़ जमीन उसमें कब्जे हो गए गिर हो गए उनके लोग लीडर खा गए। तो कम से कम आप होश में आए हैं, आपकी गलती का इतराफ़ कीजिए। आप ये कहिए कि मकबूजा जितनी औकाफी जायदादें हैं हम उनको हासिल करके मुसलमानों के हवाले करेंगे, मगर नहीं कहते मशहूर सारे लोगों के लिए बताया गया मुसलमानों के लिए कोई नहीं औकाफ को कोई पावर नहीं देंगे, जुडिशल जायदादों को वापस नहीं करेंगे। जैसा बतौर जो सबका हुकूमत ने कहा इसकी इतनी बड़ी जायदाद तो हम हासिल, आप ऐलान करिए, नहीं करते। दोनों बस मासूम बन के भोले बन के धोखा देकर चापलूसी के साथ मुस्लिम वोटों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस ये वक्त बहुत दिनों के बाद कई सालों से बात जो ये वक्त एक मैसर हुआ है मुसलमानों के लिए अखिलेतों के लिए कि आज हमारे वोटों का मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा एक फैसला कुल मौकूफ है। वो जमात तक ब्राजमान की वरना दूसरी अगर किसी को मुस्लिम वोट नहीं डालेंगे वो तख्त साहब पर जाएंगे।
तो आज का जो मौकफ है मुसलमान अपने वोटों की कीमत कीमत जो है उसका बुखार जो है हमको सोच समझ कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब कई जमातें आ रही हैं, दौलत का जो मुशाहदा हो रहा, दौलत को पेश किया जा रही है कि आपके वोट हमको खरीद लेंगे वो, तो ये दौलत जो ला रहे हैं वो आप ही की दौलत है, आवाम से मुसलमानों से गरीबों से लिए सो लूटी भी दौलत है। एक लीडर एक मिनिस्टर कल जमीन पे रहता है, ये कौन सही करेगा, कौन जो सब संजीदा है। और एक बात तो मैं कहूंगा, यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कहा कि हमारा जो सपरा है वो तो बादशाह है झूठ का, जबानी वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, आज वो याद भी नहीं कर रहे हैं। बल्कि जहां से इलेक्शन आता है वो उर्दू के अशारों का शुरू कर देते हैं सिलसिला, मगर जहां इक्तदार हासिल हो गया उसके बाद साइन बोर्डों पर तक उर्दू का दायरा करती है। उर्दू से कोई हमदर्दी नहीं है, उर्दू को रोजगार से नहीं जोड़ा जाता, उर्दू की तरक्की नहीं की जाती, मुसलमानों को रोजगार नहीं दिया जाता, और काफी जायदादों के तालुक से कोई जमात फैसला नहीं कर रही है। अगर हम जिस निश्चित के बाद जो बैठेंगे, जो भी जमात है सेकुलर कम जाहिर जिसके पास है हम समझ रहे हैं आज। और मैं कहूंगा कि दूसरी जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी कहूंगा कि आप वाजह तौर पर पूरे मुल्क में एक ही पासी बनाइए, आप यहाँ पे क्यों ऐलान नहीं करते। कर्नाटक में ने कहा, आपने कहा कि आप दहशतगर्द तंजीम जो बजरंग दल है उसमें हम बैन करें, यहाँ भी ऐलान करो। केसीआर कहते हैं मैं बहुत नंबर वन सेक्युलर है, नहीं तो आप ऐलान करो आप कैसे सेक्युलर है, नंबर वन हिंदुस्तान के सेक्युलर हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं, मिनिस्टर साहब यह तो उनका सेक्युलरिज्म देख लीजिए आप। मैं छोटी सी बात को थोड़ा हटा के कह रहा हूँ, आज सारी दुनिया देख रही है मासूम फलिस्तीनियों पर कितना जुल्म हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं, दवाखानों पर बीमारी हो रही है, बल्कि उसका जो बाप है इसराइल का, अमरीका, लंदन, फ्रांस, वहां पे इतने राजा हो रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर वन सेक्युलर हुकूमत सेक्युलर जो सरबरा सेक्युलर गवर्नमेंट में हमको एहतजाज करने की इजाजत नहीं जा रही है, ये कैसा सेक्युलरिज्म है, कैसा सेक्युलरिज्म है, मासूम लोग मर रहे हैं। और हमारे मुस्लिम कंट्री छुट्टी में धुतकार करता हूँ, 58 कंट्री है, आज हर रोज हजारों बच्चे मर रहे हैं, बे हथियार कौम लड़ने वाली है कि ये फलस्तीन कौम। हम यहाँ से ये भी पैगाम देते हैं कि दहशतगर्द इसराइल जो जमीनों पर कब्जा किया है जबरदस्ती, वो दहशतगर्द है, उसको हटाओ। यहाँ पे हम बैठकर इसके बाद मुस्लिम वोटों को दो टोक अंदाज में और ज्यादा से ज्यादा दे। मुख्तसर अल्फाज में कहूंगा, जिगर का वो शेर, जरा चश्मे बसीरत से तो देखो कारवां, जरा चश्मे बसीरत से तो देखो कारवां वालों, अरे कई दुश्मन कई राजन निगहबानों में रहते, कई दुश्मन कई राजन निगहबानों में रहते, मीर जाफर और मीर सादिक के जैसे लोगों को अपना रहबर अपना पेशवा बनाने के बाद उनकी इज्तिमाही जिंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है। एक ही गुजारिश, इलेक्शन में तूल तवील बातें करने की पूरी किताब हम वर्क गर्दानी कर। एक जुमला कहूंगा, टीआरएस की 2001 में जो एग्जिट थी मैं उसका मेंबर था, हम वजीर भी हैं, मेरा उनका जो शहादतमंदी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वास्ते और ज्यादा वजाहत के साथ नहीं, उनके एक टीआरएस में मर्ज हो गया था स्टेज पे जब आए नरेंद्र, पुराने शहर को हवा परस्त मेरी दानिश में केसीआर है उस वक्त में बोला था, और आज 10 साल के बाद आपके बैठ दरमियान में बैठ के पूरी रुदात में सुन रहा हूँ। एक ही गुजारिश करूंगा कि हम जिन लोगों को बिठाए हम नहीं लेना चाहता, मैं बोलेगा पैदा हुए उन्होंने खिलाफ बोलने के आते में नाम दिए बगैर बोलूँ के इस तीन तबके रहेंगे, ऐसा जो कुछ हुआ था साहबा का माशरा की इंफिरादी वोट के वक्त इस्तेमाल कर लेते, उसके बाद में फिर भूल जाते। मेरी एक छोटी सी राय है कि अब जितने लोग दानिश्वर बैठे हैं इसमें से एक टीम बनाकर, क्योंकि हम दो वक्त टीआर नहीं मिला इस वक्त, मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं उनके पास जाके हमारे जो मुतालिबात हैं, हम जिस तरीके से अगर हम आपको वोट देंगे तो हम आप हमारे लिए क्या करेंगे, तो शायद फिर उन्होंने फिर इलेक्शन अगर हो सकता है कि इलेक्शन उन्होंने जीत लेंगे हुकूमत में आएंगे, लेकिन हमारा व्यवहार उसके अंदर फिर कुछ भी नहीं रहेगा। बात रखें और इसको प्रोपेगेंडा करने के लिए अभी आप जैसा बताया कि वक्त तो बहुत ही शॉर्ट है, इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट से 4-5 मेंबर्स को सिलेक्ट करें। इस पर तशरीफ़ करना होगा, पूछना चाहता हूँ
कि क्या बीआरएस को आपके वोटों की जरूरत है या कांग्रेस को आपके वोटों की जरूरत है। बस दोनों भी आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप या आप एल महाविजय के उजदाक है, आप चाहते हैं कि हम खुद जाके उनसे पूछें भीख मांग। अगर वो वादा करते हैं और उसमें से जो कुछ भी देते दे, वो आपका हक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी भीख आपके मतालबात, और साबिका के आपके तजुर्बे हैं कि आपके मतालबात की तकमील हुई क्या, आपकी क्या जो वफा किया जाए सियासत में नहीं होते, वादे तो वादे होते हैं। इसलिए रोल के बात के बारे में पूछे और यह भी आपने कहा कि 40 हैं जहाँ मुसलमान अपना मौकफ जाहिर कर सकते हैं, तो क्या 40 सीट हमारे पास आइडेंटिफाइड हैं? अगर आइडेंटिफाई हैं तो हमको एक नई पॉलिसी अख्तियार करना पड़ेगा कि जहाँ जो कैंडिडेट मतालबात को मानता है, सतह के जो इश्यूज हैं उसके अंदर मानता है, तो उसकी आप तायीद कर दें। कमज़ोर हुकूमतें जो है अखिलियतों के लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं मुकाबलतन मुस्तकम हुकूमत। बैठे हैं उसे कैंडिडेट तो जिताएं आप, लेकिन आप जो है अगर कलेक्टिवली वोट देने की बात कर रहे हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है जनाब, ना कांग्रेस को ज़रूरत है, ना बीआरएस को ज़रूरत है, ना किसी बीजेपी को ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीएसपी को भी ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो वो लोग भी कुछ करते होते, पता नहीं वो क्या करते हैं। तो मेरा अपना ये है कि इस वक्त जो है हमको उन 40 सीटों को ही बस आइडेंटिफाई करके हमको मेहनत करनी पड़ेगी और डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना पड़ेगा। मीट है नहीं है, पहली बात मैं ये करेक्शन कर दूँ कि कोई 40 और 42 सीट जहाँ पे मुस्लिम इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसी कुछ नहीं है, सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट है जिस पे मैं 3 से 4 महीने मेहनत किया हूँ। उसके बाद मैंने कुछ डाटा भी कलेक्ट किया है और मैं थोड़ा डाटा आपको बता देता हूँ कि अर्बन और रूरल में मैंने इसे बांटा है। अर्बन एरिया में राजेंद्र नगर में आपके 1,32,000 वोट है, जुबली हिल्स में 1,17,000 वोट है, कारवान चंद्रनगुट्टा बादपुरा याकूतपुरा चारमीनार जी, ये मैं छोड़ दिया हूँ, मैं इसको मार्क भी नहीं किया हूँ। रही नामपल्ली और मलकपेट 1,78,000 1,54,000। अर्बन एरियाज के अंदर एक 50,000 वोट से ज़्यादा वाले कॉन्स्टिट्यूंसीज भी है जिसमें महेश्वरम सेलिंगमपल्ली कुकटपल्ली खैरताबाद खुतबुल्लापुर गोशा महल और मशीराबाद जहाँ पर आपको 54,000 से 67,000 तक मुस्लिम वोट है, 19% से 14% भी है, 10 भी है, 16 भी है। और अर्बन एरिया के अंदर आपको 50,000 वोट से कम की भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें 25,000 से लेके 48,000 तक, जिसको मैं सेक्टर 3 में रखा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर उसको तफसीली उसमें मैं बात नहीं करूँगा। हो गया आपको 11, अर्बन में 11 सीटें आपकी है जहाँ पर आप अपने मुस्लिम वोट को कॉन्सोलिडेट कर सकते हैं। कॉन्सोलिडेट करने की बात कर रहा हूँ, गुत्तेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, गुत्तेदार के पास भी ये लिस्ट मौजूद है। अब रही बात रूरल, रूरल के अंदर निज़ामबाद अर्बन में 41% आपके मुस्लिम वोट है जिसका 1,10,000 के करीब होते हैं, इसके अंदर कुछ वेरिएशन भी हो सकता है। करीमनगर में 18%, गोधन में 28%, जहीराबाद में 23%, महबूबनगर में 22%, यानी 50,000 से ज़ायद ऐसी आपको 5 सीटें पाई जाती है। 50,000 से कम यानी 30,000 से लेके 50,000 के दरमियान संगारेड्डी आदिलाबाद निर्मल खम्मम तांडूर वरंगल वेस्ट वरंगल ईस्ट मधोल विखाराबाद और बांसवाड़ा, ये जुमला बनती है 15 सीटें, यानी आपको अर्बन में 11 रूरल ओवरऑल हो गया 26 सीटें जहां पे मुस्लिम वोट का इंपैक्ट है। 30,000 से कम की भी सीटें हैं अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं जिसमें कोरटला कामारेड्डी नलगुंडा परगी जगतिया रामागुंडम भी है, बाकी के 20,000-10,000 से कम का भी मेरे पास पूरी इसकी ड्राफ्टिंग है। वोट को कॉन्सोलिडेट करें यानी वोट तकसीम ना हो उस पे बैठे हैं तो एक गुत्तेदार तो ऑलरेडी मौजूद है, कॉन्सोलिडेट करने के लिए जलसा है, हालत है हाजरा के नाम पर कर भी रहे हैं, एनपीजे का तारीखी निज़ाम का कॉलेज का जलसा रहा है जिसके अंदर केसीआर को जो है मुसलमानों से खरीदाने का मौका भी मिला, क्या नहीं हुआ? पहले भी हमने मूवमेंट के अंदर उसमें सब कुछ किया लेकिन इख्तदार में आने के बाद केसीआर ने वहाँ पर सरों को गिनने का काम किया, बोले भाई इन्हों डिस्टर्ब करेंगे, इनके पास इतनी सीटें हैं, हमारे पास क्या है? या तो सर का वजन चाहिए या तो जेब का वजन चाहिए, ना सर का वजन है ना जेब का वजन है, दोनों भी नहीं है, हकीकत है, दोनों भी चीज़ें हमारे पास नहीं है। अब वहाँ के वोट के तकसीम को कैसा रोका जाए, और दूसरी अहम बात यह थी कि हम तेलंगाना बनने के बाद में, क्योंकि तेलंगाना बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है, तेलंगाना बनने के बाद में मुसलमानों का साथ हुकूमत का क्या रवैया रहा और क्या उसके ऊपर हमको करना चाहिए। तो आज की मीटिंग में ये बात वाजे हो गई कि तेलंगाना के मुसलमान तमाम के तमाम एक तरफा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और वो वोट वो लोग कांग्रेस को देंगे,
क्योंकि पिछले 10 साल में जो बीआरएस हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी की है, उनका जो रिकॉर्ड रहा है, उनके जो वादे रहे, मैं आपको उसमें चंद वादे बता देता हूँ कि इन्होंने तेलंगाना बनने से पहले या आवाम से वादा किया था, बिलखुसूस मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तेलंगाना में तो हम मुसलमानों को सबसे पहले जुडिशरी पावर देंगे वक्फ बोर्ड को और सब प्लान देंगे और 10-12% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन आप देख लीजिए ये हुकूमत बनने के बाद में उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या रवैया रखा है। सबसे पहले इन्होंने वक्फ बोर्ड की 1654 एकड़ ज़मीन लैंको हिल की, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उन्होंने वादा किया था कि हमारी हुकूमत आएंगी तो हम सबसे पहले केस से दस्तबरदार देंगे हुकूमत। लेकिन उन्होंने ये केस में दिलचस्पी रखकर वक्फ बोर्ड के एडवोकेट को तब्दील करके केस को हुकूमत के फेवर में लेके वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जायदाद को उन्होंने कब्जा किया। ये सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया। दूसरा उन्होंने धोखा दिया कि 12% हम रिजर्वेशन देंगे, उसका फिर जिक्र नहीं करे। इन्हीं की हुकूमत में आने में 5 मुस्लिम बच्चों को जुडिशरी कस्टडी के बच्चों को हाथ में हथकड़ियाँ डाल के कत्ल हुआ और उन लोगों के ऊपर केस करने के बजाय हुकूमत उसकी तायद करी। यानी कि इनके जो जो कारनामे अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के दौर में मेरिटिस कॉलेज बने थे और उसके ज़रिए से स्कॉलरशिप देकर बच्चों को तालीम दी जाती थी और बच्चे हमारे तालीम हासिल करके इंग्लैंड अमेरिका यहाँ पर जाकर अपने और तालीम को हासिल कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को संवार रहे थे। ये हुकूमत आने के बाद जब मुसलमान की इकनॉमिक को तबाह करने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप को रोकने के लिए 42 कॉलेजों को बंद कराया मेरिटिस के, और जो बच्चे हमारे पढ़ते थे, जो बच्चे क्या कि ओबेरा वो गाड़ियाँ चला रहे, पान के डब्बे चला रहे। तो इनके जितने 10 साल कारनामे देखें आप, सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि इन्होंने वादा करा था कि हमारी हुकूमत आएंगे तो हम 4 कैबिनेट मिनिस्टर देंगे। अब तक कांग्रेस हुकूमत नहीं दी, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो 4 हम कैबिनेट मिनिस्टर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट से एक मुसलमान को टिकट ही नहीं देंगे बल्कि हम जिता के बताएंगे। और उन्होंने सबसे पहले मुसलमान की सियासी कैरियर को ख़त्म करा। एक कैंडिडेट को वो टिकट देते बोधन से, जबकि वो बोधन की सीट कोई भी अगर खट्टा वहाँ से मुस्लिम अच्छा उम्मीदवार तो जीत जाता, वो कोई इनकी हुकूमत के तरफ से नहीं जीता। इन्होंने एक टिकट महबूबनगर से दिया इब्राहिम को और 100% जीतने वाले कैंडिडेट को इनके पार्टी के आरएसएस के लोग जो इस वक्त निजामबाद के MLA है, उन्होंने एक ग्रुप बना के KRS BJP कांग्रेस के पूरे उम्मीदवारों को एक जगह करके पूरा पैसा देकर करके एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराए और ये बोल के हराए कि अगर ये सिख मुसलमान को देंगे तो हमेशा सिख मुसलमान क्यों देंगे। यानी कि इनके जितने भी कारनामे हैं एंटी मुस्लिम है। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी BJP एंटी मुस्लिम बिल लाई उसकी तायद भरपूर तरीके से इन्होंने हमेशा तायद करते रहे BJP की। यानी कि इनके कारनामों को देखकर ऐसा लगता कि ये BJP की बी टीम है। लिहाजा आज के इजलास में हम लोग ये मुत्तहिदा तौर पर फैसला करें हैं कि आने वाले इलेक्शन में तमाम मुसलमान कांग्रेस का साथ देंगे। एक बुनियाद पर कर रहे हैं कि BRS हुकूमत क्या कि वोट नहीं देंगे और हम कांग्रेस को ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव इस वक्त हमारे पास एक ही है सेकुलर, तो हमको ये आवाम को इतला देना है कि आप अगर नहीं दे रहे तो फिर हम किसको वोट देना, लिहाजा हम कांग्रेस की तारीख की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि फैसला 4 धारा को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस, और कल अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पेश होगा अगर कोई मुखालिफत करेगा तो वो है कांग्रेस। तो ये बात बिल्कुल वाजह हो गई है, हमें कांग्रेस से लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कि कल 2024 के इलेक्शन के अंदर जो लोग भी इस फिस्ताई ताकतों के और नफरत के प्रचारक जो लोग हैं उनकी मुखालिफत करेंगे तो उसमें कांग्रेस बहरहाल शामिल रहेगा। तो इस एतबार से इस बार ये जो मुत्तहिदा वोट है, ये समाजी जिम्मेदार या समाजी जहदकार या सोशल सोसाइटीज़ या सिविल सोसाइटी ये फैसला किए हैं कि कांग्रेस के हक में जो है ODF के अंदर मिसाल के तौर पर हर आदमी को खा वो फ़र्द हो या जमात हो अपने तौर पर अपनी राय रखने, राय का प्रचार करने और राय के मुताबिक राय आमों को हमवार करने का, कोई इस तरह सर जोड़कर हम बैठें और बावजूद उन गलतियों के, उन खामियों के जो कांग्रेस के साथ वो एक बैकलैश है, हम उसके बावजूद भी तायद करने के लिए तैयार हैं। एक ही वजह है, वो वजह ये है कि कभी भी कांग्रेस RSS की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं कर सकती। इसको हेडलाइन बनाने की ज़रूरत है।
उसका नतीजा। तो इस बार का जो इलेक्शन में जो मुसलमानों के वोट है उसका मुस्लिम कैंडिडेट्स है, किसी मुख्तलिफ जमातों के होंगे मगर मुत्तफिक और राय तौर पर बैठ के किसी एक के लिए अपनी राय हमारा कर ली, उस वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं चेयरमैन टीम एनजीओ, मेरा अपना मानना यह है कि जमातें तंजीमें या फिर मुसलमानों के गुत्तेदार ने जाकर बीआरएस की तायद कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान उनके साथ है, उनका भी अपना प्रेजेंस है, हमारा भी प्रेजेंस है, हर एक आम मुसलमान का भी अपने वोट का वजूद है, हर एक वोट का अपनी एक आइडेंटिटी है। मुद्दा यह है कि बीआरएस पार्टी ने पिछले 9 साल में हर मामले में बीजेपी का साथ दिया। अब इतना सब कुछ आया तौर पर देखने के बाद अगर कोई झोला ओढ़कर सर पे टोपी पहनकर लंबी दाढ़ी रखकर अगर फिर बीआरएस के साथ अगर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके साथ चले जाएं। हमारा कहना ये है कि ट्रिपल तलाक का बिल आया, बताइए बीआरएस ने किसका साथ दिया, इसका जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ अब रही बात कांग्रेस की, तो पुरानी कांग्रेस अलग थी, नई कांग्रेस अलग है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस भी 10 साल जो है सर्द बर्फदानों में रहकर आई है, उसे भी तजुर्बा हो चुका है मुसलमानों के वोट बैंक का, कांग्रेस ने एहसास किया है। एक सवाल आया था कि भाई क्या कांग्रेस से बात की गई, बिल्कुल बात की गई, मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस से बात की गई, कांग्रेस के कई अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब शानदार शाहकार मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।